This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। इसरो ने एक साथ 31 सैटेलाइट किए लॉन्च, खुद का बनाया हुआ 100वां उपग्रह भी ऑर्बिट में भेजा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने गुरुवार को एक साथ 31 सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग की। इनमें अमेरिका समेत 6 देशों के 28 सैटेलाइट्स शामिल हैं। इसरो का बनाया हुआ 100वां सैटेलाइट भी है। ये दूसरा मौका है जब उसने एक साथ इतने सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे हैं। पिछले साल फरवरी में 104 सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इनमें ज़्यादातर विदेशी थे। भारतीय स्पेस एजेंसी की इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। 31 सैटेलाइट 1323 किलो के आधा वजन कार्टोसेट का। इस मिशन में PSLV-C1440 भेजे गए सभी सैटेलाइट्स का वजन 1323 किलोग्राम है। इसमें कार्टोसेट 2 का वजन 710 किलो और बाकी 30 सैटेलाइट का वजन 613 किलोग्राम है। 6 देशों के 28 सैटेलाइट्स। इसमें भारत के अलावा कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, साउथ कोरिया, यूके और यूएसए के सैटेलाइट्स हैं। अपने व्हीकल से लॉन्च कर चुका है 278 सैटेलाइट्स। इसरो जून 2017 तक खुद के जरिए बनाए हुए व्हीकल से 278 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। पिछले साल स्पेस में 104 सैटेलाइट्स भेजने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसरो ने अपने ही नाम व्हीकल PSLV-C37 के जरिए बनाया था। देश के लिए नए साल का नया तोहफा। सभी सैटेलाइट्स की कामयाब लॉन्चिंग के बाद इसरो के चेयरमैन AS किरण राव ने कहा, PSLV की पिछली लॉन्चिंग में दिक्कतें आई थी, आज ये साबित हो गया कि हमने उन्हें ठीक करके उसे समझा। देश को नए साल का ये तोहफा देकर खुशी हुई। इसरो का पिछला मिशन हुआ था फेल। बता दें कि 31 अगस्त को इसरो की लॉन्चिंग मिशन में फेल हो गया था। तब उसने PSLV-C39 के जरिए बैकअप नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1H सैटेलाइट लॉन्च किया था। ये तकनीकी खामी की वजह से आखिरी स्टेज में नाकाम हो गया। फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च किया गया जाएगा चंद्रयान 2। इसरो के डायरेक्टर M. अनुदरायन के मुताबिक चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग इस साल के पहले क्वार्टर में करने का प्लान है। इस मिशन के साथ ऑर्बिटर और लैंडर भी भेजे जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फाइनल स्टेज में है। थैंक यू।